अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड्सअप, दिस इज़ यावर। और गाइज, आज मैं आया हूँ लिमरा फीड्स एंड लाइफ स्टॉक पे। आपने बहुत पहले मेरे चैनल पे इनकी वीडियोस देखे रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह भी वापस से एक बार कुछ नए अपडेट्स, नई चीज़ें, नए लॉन्चेस आए हुए हैं, तो ये वीडियो में इंशाल्लाह सब चीज़ कवर करेंगे। ओके, बेल्स, एसेसरीज वगैरह जैसे आप देख सकते हो स्टार्टअप पे ही बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, तो क्या किस चीज़ के लिए और क्या पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है इंशाल्लाह सब जानेंगे ओएस भाई से। उससे पहले इसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग कर लीजिए। शूट के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरीज हो तो नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ओएस भाई, कैसे हो भाई, खैरियत? तो क्या चल रहा है, कैसा गया सीज़न ईद का? सीज़न तो जैसी उम्मीद थी, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। तो अब ये वीडियो बनाने का क्या पर्पज अपना? पर्पज कुछ नहीं है, अपडेट है। नॉर्मल अपन जो हरी पत्ती बेचते थोड़ा सी अब अपग्रेड हो गया। अच्छा, नागौर भी है। हाँ, लेकिन ज़्यादा भी। जी भाई, क्या बोल रहे थे आप? हरियाणा का, हरियाणा का फिलहाल बहुत ज़्यादा हुआ, अच्छा है रिस्पॉन्स, कि माल भी अच्छा है, बकरे ज़्यादा खा रहे हैं फिलहाल। नागौर के कंपेरिजन में ज़्यादा सेलिंग हरियाणा की है? सेलिंग तो ज़्यादा हरियाणा की है, सेलिंग नागौर की है, क्योंकि लोग हरियाणा के बारे में उतना अवेयर ही नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, वीडियो में सब चीज़ इंशाल्लाह क्या अपडेट है सब बताएंगे। और ये सब भी चीज़ आई हुई है नहीं? सब पुरानी है, इसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। अच्छा, वो कभी दिखाई नहीं अपने, खाली फील्ड पे ध्यान देते हैं। इससे हरी पत्ती से मेन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इस पर रखो ना, यहाँ पे लाइट है, समझ में आएंगे। अब ये हरियाणा है जी, ये हरियाणा। अच्छा, इसके साथ में ज़रा नागौर रखो ना, तो एक चीज़ समझ में आएगा क्या क्या डिफरेंस है गवार फली और ये हरियाणा की पत्ती है। ठीक है, अभी भाई नागौर दिखाएंगे तो अपने को एक डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि इसमें और इसमें क्या डिफर है। ख़त्म हो गई, अब पूरा हरियाणा ही भरा पड़ा अपने पास। तो आपके हिसाब से मतलब क्या ज़्यादा प्रीफर मतलब करना चाहिए, हरियाणा के नागौर, जो पूरा साल भर तो ऑलमोस्ट नागौर ही चलती है? तो ये सस्ती है उससे क्या महंगी है? महंगी पर। अच्छा, महंगी है, काफ़ी महंगी पर। अपने जो रिटेल का भाव है इसका 38। अच्छा, होलसेल का 35। 35 चलेगा। तो आपके हिसाब से क्या डिफरेंस रहता है, पत्ती बड़ी छोटी? पत्ती का साइज़ का डिफरेंस रहता है, और इसकी खासियत ये रहती है इसमें अगर आप इसे मिट्टी भर के मिट्टी डालोगे ना, हाँ, तो कोई भी मिट्टी पत्ती को चिपकेगी नहीं। अच्छा, नीचे सेटल हो जाएगी जी, इसलिए ज़्यादातर हरियाणा नॉन फिल्टर ही आती है, इसमें आपको लकड़ियाँ ज़्यादा दिखेंगी। अगर थैली में अगर आप देखोगे, हाँ, उसमें आपको ऊपर लकड़ियाँ अच्छी खासी नजर आएगी। बराबर, लेकिन ये सब बकरे खा लेते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है? खाते हैं भाई, कैल्शियम का अच्छा सोर्स है लकड़ियाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हरियाणा का, बकरे खाते ज़्यादा है, पानी ज़्यादा पीते हैं, कूल दिखता है। तो ये भाई सीजनल मिलती है हरियाणा, तो साल भर अवेलेबल रहती है? साल भर अवेलेबल रहती है, लेकिन अपन मंगा नहीं पाते। अच्छा, ऐसा है, अपने आगे वाला बंदा उसका ज़्यादा स्टॉक नहीं रहता, खपत ज़्यादा ना कोई की, क्योंकि बैंगलोर के डे भाई कॉस्टिंग भी देती है। बराबर, सस्ते के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं फिलहाल, मेरे हिसाब से तो लगभग रेट थोड़ा अच्छा ही है उसका। अच्छा, और अगर कोई क्वान्टिटी लेता है तो इंशाल्लाह अच्छे प्राइस में करके देते हैं। 38 रिटेल बताया आपने और 35 से होल सेल आ जाएगा क्वान्टिटी मिनिमम? अगर कोई क्वांटिटी अगर ले रहा है ना 100 किलो 200 किलो, हाँ, तो बहुत अच्छे प्राइस में कर देगा। अच्छा, समझ लो कि आपको ऐसी फीलिंग आई कि मैंने लिया ना बोल। अच्छा, वर्थ है मतलब? चलो, ये दूसरा गवार फली 30 रुपये का भाव है, 30 रिटेल, होल सेल लेंगे तो वही बट वो कम हो जाएगा। हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। और फिर अपने पास तुअर भूसा है, इसमें तो कुछ क्वालिटी नहीं आती ना, कि अलग अलग क्वालिटी आती है इसमें तुअर, इसमें भी पहले जो पूरा माल आया था मेरे पास पूरा पाउडर माल था। अच्छा, और थोड़ा व्हाइटिश उसमें ज़्यादा था, इसमें येलोइश बना ज़्यादा है, छिलके भी है लकड़ियों के साथ, जानवर ज़्यादा अच्छे से खाए, जो खा के निकाल रहा है माशाल्लाह, वो एकदम स्पीड में खा रहा है। साहब ने लाइव एकदम डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहा है आपको। इसके बाद ओवेस भाई क्या है अपने पास? इसके बाद भाई तुअर भूसा है, जौ है, गेहूं है। तुअर में भाई साफ है अपने पास के आए भी भाई जो माल बाजार में चलता है ना, एग्जैक्टली एक बात समझ लो, तुअर जो आता है ना, हाँ, एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है, तो वही माल ऑल ओवर मुंबई चलता है। अच्छा, सबका माई बाप एक होता है, सबका सबकी शॉप पर लगभग वही माल चलता है,
तो क्वालिटी वाइज ज़्यादा मैं उसकी बात नहीं करूँगा, कचरा रहता है थोड़ा बहुत तो वेस्ट आएगा ही, वेस्टेज तो उसमें रहना ही इतने माल में भी वेस्टेज है। अभी चुननी है आपके पास, चने की चुननी है, कुआई की चुननी है अभी यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा ये एक चुननी है, ये कौन सी है? ये चने की है, ये चने वाली चुननी जी, ये एक चुननी है चने की, और चने की दूसरी चुननी ये है। तो क्या फर्क है इसमें? फर्क आए नहीं होता, फर्क आपको बता देता। आपको क्या फर्क लग रहा है? सबसे पहले तो कलर का डिफरेंस लग रहा है, और इसमें छिलके ज़्यादा दिख रहे हैं। इसमें छिलके ज़्यादा है और उसमें अनाज के टुकड़े भी ज़्यादा है, इसमें अनाज के टुकड़े कम है और थोड़ा पाउडर कंटेंट ज़्यादा है। उसका रेट कैसा रहेगा फिर? रेट भाई ये वाला 38 है, ये वाला 35 इसलिए डिफरेंशिएट है जी। ये कौन सी होगी? चने की, चने की होगी। एक तुअर आती है और फिर एक मिक्स आती है और एक मसाई की चुननी। कितने टाइप की अपने पास है ना? अपने पास हाँ सब है अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक। कौन कौन सी एक बार आप गिना दो। चने की चुननी है दो, हाँ एक तुअर की है, हाँ एक मकई की है, हाँ और एक ये सब का मिक्सचर है। मिक्स चुननी, मिक्स चुननी वो क्या रेट से आ जाएगी? मिक्स चुननी 36 का है। 36 का जी। तो इसका रिजल्ट है चुननी का? रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह सब में ही है। मेरे चुन्नी का अगर रिजल्ट देखना है तो सबसे भारी रिजल्ट मतलब जो आपके कांस्टेंट मिला है, हाँ अपने अनस भाई, अनस टेम्पो, अनस टेम्पो अच्छा उनका जो हाँ बेंटम है माशाल्लाह। अच्छा अपनी चुन्नी पे तैयार हुआ है जी, फिर तो भाई चुन्नी और चने पे ही तैयार हुआ है। जानवर कोई भी एक बार देखेगा ना दिल आ जाएगा, बेंटम का शौक मतलब पब्लिक को करना है बढ़ जाए वो देख लो माशाल्लाह। उसके बाद और? उसके बाद अपने पास चना है, जौ है, मकई है। रेट बताते हो ना साथ में? जौ 32 है, 32 मकई 33 है, चना 55 है। चना 55 है? चना 55 मार्केट में बहुत महंगा चल रहा है। और एक 48 वाला भी चना है पास। अच्छा 55 से कम भी है? खाली थोड़ा सी कलर पहले 55 वाले दिखा दो भाई। ये 48 वाला काला, ये थोड़ा काला आ रहा है, काला है देसी चने। अच्छा बाकी इसमें ना खड्डे वड्डे तो नहीं है? कुछ भी नहीं है, चने लगभग साफ है। एक बार 55 वाला भी बताओ ना भाई, वो साफ है? थोड़ा सी अपनी दुकान जस्ट खुली है तो उतना वो साफ है ना, इसके कंपैरिजन साफ तो है और कलर भी अच्छे है और दाने भी उसके बड़े हैं। और ये वाला भी जो चना इसको भिगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट है, सस्ते में अच्छा है ना। तो ये और भी चीज़ें रहती है भाई, चना छिलका वगैरह है ना, वो भी है। है क्या रेट है अपने पास? चना छिलका 30 रुपये। 30 रुपये ये सब रिटेल रेट बता रहा हूँ आप मेरे को। हाँ, होलसेल जो भी लेगा इंशाल्लाह और बेस्ट करके देंगे इंशाल्लाह। ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई क्वांटिटी में लेता तो होएगा भाई? जहाँ तक के मेरे से पॉसिबल रहा मैं कर दूंगा विद नॉमिनल चार्जेस इंशाल्लाह। चलिए तो फिर बेल्ट्स वगैरह पे? बेल्ट वगैरह वही 50 से स्टार्ट है। नेक बेल्ट है ना? हाँ ये नेक बेल्ट ही होता है। नेक बोल रहा हूँ, नेक बेल्ट बच्चे के हिसाब से बेंटम बकरिया एकदम बेस्ट है। और अपने हाँ। जो भी रहेंगे ना भाई जी सब डबल में रहेंगे, उसके हुक के ऊपर भी एक्स्ट्रा सिलाई लगी रहेगी और लीड्स रहेंगे और यहाँ पर आके शॉपर। अच्छा तो साइज अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। 100 रुपये ये 50 वाला हो गया, ये 50 वाला हो गया। हाँ ये 80 वाला हो गया मीडियम साइज, ये 100 वाला हो गया उससे बड़ा, और सबसे बड़ा 120। ये तो बड़े बड़े से कोटे वर्क वगैरह के लिए काम में आएगा। बड़े जानवर के लिए ये सब नेक बेल्ट है ना? सब नेक बेल्ट है। और इसका जो अपने पास सबसे बेस्ट इलाज है हाँ रस्सी के लिए, एक तो ये LED वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रही है। बराबर, तो अपन ने बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं लेगी जिससे बांधने में रस्सी हो और एकदम हल्की भी नहीं ले जो बकरा तो इससे आप रस्सी बांध भी सकते हो। हाँ बराबर है तो उसको अटका भी सकते। तो इलास्टेबल है कि नहीं? स्ट्रेचेबल नहीं है ना? स्ट्रेचेबल। अच्छा और इसमें बोर कड़ी का भी काम होगा। हाँ 100 रुपये की रस्सी है, 100 रुपये की रस्सी मतलब 200 रुपये के आसपास में पूरा बकरे का सेटअप तैयार। पूरा सेटअप लेग बेल्ट है, लेग बेल्ट है, लेग 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 बेल्ट एक अपना नायलॉन में है और एक लेदर में। क्या प्राइस? नायलॉन वाला भाई 60 हो गया है, लेदर वाला 80 रुपया 80।
ये सब घुंघरू वगैरह भाई, घुंघरू वगैरह भाई ये 300 रुपये का है। ये काय का किधर का, नेक का है? नहीं भाई, पैर में जो बड़े छोटे तैयारी के बाद वीडियो बनाते ना, लॉन्चिंग वीडियो। हाँ हाँ हाँ, लॉन्चिंग के में काम आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितने का है? ये 300 रुपये। 300 रुपये हमें बकरी का कमीला चाहिए तो कमीला भी आएगा 60 रुपये का। ये प्लास्टिक वाला? हाँ भाई, ये खाली निकाल के दिखा सकता हूँ। सही सही, अरे टूटता नहीं है तो घूम जाता है। ये बताइए, ये 60 रुपये। हाँ, ये 40 रुपये। ये 40 का है। और वो जो स्टील में आता है एल्यूमिनियम, कौन सा? अभी बहुत महंगा हो गया, उसको वो रखना छोड़। अच्छा, लोग ले ही नहीं रहे खुद? नहीं ले रहे थे, लेकिन उतना महंगा अपने को वर्क नहीं लगता। जैसे मैंने बोला ना, टूटता नहीं, घूम जाता है। तो घूम जाता है तो वो पड़ जाए चलेगा। और ये सब सॉल्ट ब्लॉक्स? हाँ, ब्लॉक्स है, शेयर है। ब्लॉक्स अपने आप कोई भी लोग 90 रुपीज़ का है। 90 में ये कौन सा है? येलो वाला? येलो वाला सल्फर है, ये बकरियों पे ज़्यादातर। अच्छा, कैल्शियम है। वाइट वाला लाहौरी है, और ये लाहौरी है। हाँ, और ये अपना रेड वाला मिनरल ब्लॉक। मिनरल, मिनरल में ब्लैक सॉल्ट भी अवेलेबल रहता है, इसलिए अपन ब्लैक जल्दी रखते नहीं। अच्छा, ब्लैक का काम नहीं करना। ये कोई भी ले लेंगे 90 रुपीज़ में आ जाएगा। चले, और ये चीज़, ये क्या आइटम? ये शैम्पू है। अच्छा, बकरों नीलाने आती है या फंगल इन्फेक्शन है? हाँ, या कुछ भी है, बाल झड़ गए, उसके लिए बेस्ट चीज़। ये यूज़ किया आपने पर्सनली? यूज़ भी किया, और जो पीलापन रहता है ना। हाँ, पेशाब वगैरह में बैठ। अच्छा, बोल रहे नहीं भाई, ये रत्नागिरी के वो बनाते हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट अच्छा है? हाँ, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ये कितने का आ जाएगा? ये 180 रुपये, 250 की MRP है। हाँ, 180 रुपीज़ में आ जाएगा। इंशाल्लाह भाई, आपके नाम से कोई आएगा जी, एक 500 का बिल बनाता है तो उसको 50 रुपये ऑफ। चलो माशाल्लाह, एक और ऑफ़र। ये नीचे क्या आइटम है भाई? ऑफर नहीं है भाई, तुम्हारी मोहब्बत। ये माजी है जी, ये इसका स्टॉक अभी आने में। अच्छा रिजल्ट है, बकरे तैयार हुए, मेरा पर्सनली मैंने रख के तैयार करके। वेट गेनिंग के लिए? वेट गेनिंग है, मतलब ये दोगे तो लिवर टॉनिक, कैल्शियम वेल्शियम, कोई और चीज़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, बेस्ट चीज़। इसका स्टॉक आने में? हाँ, स्टॉक आने में, वो आएगा तब इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बॉय बहुत वो चल रहा है मार्केट में, मिक्स फीड। ऐसा कुछ भी नहीं है वो, तो देखो मिक्स फीड फिलहाल मैंने कोई पर्सनली किसी की लेके बेच नहीं रहा हूँ, ना मैं बना रहा हूँ। सीन फिलहाल ऐसा है ना कि एक तमेरा लेता हूँ, उसमें 4 चीज़ें डाल देता हूँ, 5 चीज़ें डाल देता हूँ, वही बना के वही बेच देता हूँ। ऐसा है, वो लोग बोलते उसमें मिनरल मिक्सचर्स और पाउडर्स वगैरह सब डालते हैं। मैं नहीं डाल पाता, मिलता नहीं। अच्छा, तो अपने पास मिक्स फीड अवेलेबल नहीं है फिलहाल? रहती है, लेकिन वो ऐसा कोई एकदम स्पेसिफिक तैयार किया हुआ वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा, फिलहाल बस मिक्स फीड मिक्स करके अपन अपने हिसाब से मिक्स करके बेच देते हैं। चलेगा चलेगा। तो ये शॉप का एक बार एड्रेस बताइए ना। शॉप भाई सूरती मोहल्ला, छोटी मस्जिद के बाजू में, स्टर्लिंग अपार्टमेंट के नीचे, लिमरा फीड्स एंड लाइफ स्टॉक। और अगर कोई स्टेशन से आ रहा है, मतलब कोई ट्रेन वगैरह से आता है तो नियर बाय ग्रैंड रोड, मुंबई सेंट्रल, बाइकला, सब 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर, मतलब बीच हब में। हाँ, बीच हब, सेंडर स्टोर भी नज़दीक, सेंडर स्टोर भी नज़दीक। तो कोई भी कॉल करके आएगा तो इंशाल्लाह गाइड करूँगा। हाँ इंशाल्लाह। एक बार आपका नंबर बताइए। 8767 जी, 244944। व्हाट्सएप भी यही है? हाँ, व्हाट्सएप भी यही है, और लिमरा फील्ड्स एंड लाइफ स्टॉक इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मैप पर रजिस्टर्ड है? हाँ, मैप पर रजिस्टर्ड। चलेगा, ऑलवेज वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी भाई। ठीक है, तो उसमें से जो भी आइटम्स आप लेने में इंटरेस्टेड हो, फीड से लेके हर चीज़, ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई बाहर से भी वीडियो देख रहा है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करिए ओवेज भाई से। तो वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा मैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।